मजा आ गया बॉस। बुड़बुड़ सर तो क्लास ही नहीं ले पाए क्योंकि किसी के पास स्विमिंग कॉस्ट्यूम नहीं थी। राल्फ, तू अपना टाइम वेस्ट मत कर। अच्छा देख, अभी तू डर जाएगा। मम्मी को स्कूल से फोन आया था, कल स्विमिंग का एक्स्ट्रा क्लास है, समझा क्या? कल? और स्विमिंग कॉम्पिटिशन भी है। स्कूल का टाइम हो गया हेनरी, 8 बज गए हैं। आज स्विमिंग क्लास है। देख तो किसी को मत बोलना एंड्रयू, अभी एक्वेरियम से एक शार्क भाग गया है। क्या शार्क? हाँ, इंसान खाने वाला खूंखार शार्क, और वो इस तरफ आ रहा है, तो संभाल कर रहना। हेनरी ने बोला शायद हमारे पूल में शार्क हो सकता है। शार्क तो समंदर में रहते हैं, उन्हें पूल का पानी पसंद नहीं है। मुझे भी ये पानी पसंद नहीं, लेकिन इसमें स्विम करता हूँ मैं। हाँ सही बोला यार। सॉरी यार, इस बार भी डरना भूल गया। तुझे तो नानी याद दिला के रहूंगा। आज तो मैं टाइम पे हूँ सर। चलो सब लोग पूल में उतरो। हेनरी आज फिर से कोई। सॉरी सर, आज मैं स्विमिंग नहीं कर पाऊंगा क्योंकि। कोई बहाना नहीं चलेगा इस बार, समझे? और मुझे नहीं फर्क पड़ता कि अगर तुम्हें सर्दी, खांसी, बुखार, पीठ दर्द, सिर दर्द, नाक का दर्द या कहाँ का भी दर्द हो, चलो चड्डी पहनो। मैं तो पहनना चाहता हूँ सर, लेकिन बैड न्यूज है, मैं अपनी चड्डी भूल गया। पता था एक्स्ट्रा है मेरे पास, ले लो। ये सब कौन पहनेगा सर? मैं तो नहीं। गहना पहन लो। अब मुझे पूरे 5 राउंड्स लगाने हैं, वो भी बिना डूबे। हेनरी पानी में उतरो। ये तो डरपोक है सर, पानी से भी डरता है। मैं नहीं डरता सरेली मार्गरेट। हाँ, मुझे पानी पसंद है, ये देख। हेनरी तैरो। जब तक तुम अपना 50 मीटर्स का टारगेट पूरा नहीं करते, तब तक तुम्हें मेडल नहीं मिलेगा। हेनरी के लिए एक स्पेशल मेडल बनाना चाहिए, डूबते हुए कबूतर के जैसा। देख, ये लो, 5 चक्कर लगा लिए, बहुत आसान। अब बाहर निकलूं क्या? हेनरी, तुम्हें लगता है मैं अंधा हूँ? एक्चुअली कभी इसके बारे में सोचा नहीं। मैंने कहा तैरो ठीक से। 3 फीट वाले साइड में जाओ और प्रैक्टिस करो। तुम तब तक बाहर नहीं निकलोगे जब तक तुम 50 मीटर्स का टारगेट पूरा नहीं करते। तीन फीट में भी कोई स्विमिंग करता है क्या? क्या हुआ पचके? मुझे तो स्विमिंग सीखने में बहुत खुशी हो रही है। ए, दिखता नहीं है क्या? सॉरी, मेरा ध्यान नहीं था, मैं देख रहा था कहीं कोई शार्क तो नहीं। शार्क? आइडिया फटे। एंड्रयू, वो शार्क के बारे में लेटेस्ट न्यूज़, वो तो ड्रेनेज पाइप में चला गया है। नहीं। हाँ, तो शायद वो उस पाइप से उतरकर यहीं कहीं आया हो, वो डीप वाले साइड में। नहीं। हाँ, किसी को बताना मत। सिर्फ विलियम को बोलूंगा। ओके ठीक है, जा विलियम को बताएगा, तभी तो मेरा काम होगा ना। काम हो गया। क्या हुआ, कोई तैरता क्यों नहीं है? आज तो आपको मेडल्स मिलने वाले हैं। हमें तैरना नहीं है सर। और अगर शार्क ने खा लिया तो? शार्क ने खा लिया? अभी इसी वक्त पूल में नहीं उतरे तो मैं खुद सबको खा जाऊंगा, सच कहता हूँ, जाओ। अब इनको ये बात कौन समझाए?
कि मुझे सिर्फ छीनना पसंद है, देना नहीं। लेकिन कुछ छीनने के लिए कुछ देना भी पड़ेगा। तुम ये वॉकी टॉकी क्यूटी डॉल नहीं दे सकते हो। पिछले क्रिसमस को दादी ने तुम्हें ये गिफ्ट में दिया था ना? मम्मी, वो सॉफ्ट टॉय दादी मुझे लड़की समझती है। ये मेरी प्यारी पोती हेनरिएटा के लिए। हेनरिएटा कौन है दादी? चश्मा पहना नहीं क्या? क्या इतनी छोटी उम्र में गहने पहनोगी? ये डॉल, इसका क्या अचार डालो? और कुछ नहीं दूंगा। ठीक है हेनरी, अब तुम दोनों में से कोई भी नीचे हॉल में नहीं आ सकता है। मुझे ट्रेजर मैप के लिए क्लूज बनाने हैं। तुम मैप्स और क्लूज बनाओगी और वो भी यहाँ? लेकिन तुम नीचे नहीं आओगे। मेरी मम्मी मैप और क्लूज बना रही है मेरे इस घर में। सही है बॉस, फक्ट इट। ये डबल धमाका पिच को तो मेरा ही होगा। बच गए। मिल गया। नंबर 42। यस, काम हो गया बॉस। हेनरी, तुम अपने भाई पीटर का ध्यान रखो। पापा और मैं हेल्प करने जा रहे हैं। वाओ, चलो ना कैंडी फ्लॉस खाते हैं। हाथ छोड़ कीड़े, मुझे टिकट खरीदना है ताकि किसी को मेरा नंबर ना मिले। इसका मतलब मुझे अपना ध्यान खुद ही रखना होगा। खुफिया प्राइस टिकट कहाँ मिलेगा? उस काली दीवार के पीछे। एक बाइट लोगे? वापस दो, बेन रोको उसे। अब नेक्स्ट कौन आएगा खेलने? हेनरी, तू तो बड़ा एक्साइटेड है। नहीं टीचर, मुझे ये बकवास गेम नहीं। अरे शर्मा मत बच्चे, चल शुरू हो जा। वापस आ जा बच्चा। सॉरी टीचर, मैंने आपको पहले ही बताया था। हेलो, ए हेलो, टिकट खरीदा है? हेलो, अभी काउंटर खुला नहीं है हेनरी, बाद में आओ। वो रहा, पकड़ो उसे, देख लूंगा। अब नेक्स्ट कौन है? ठीक से बैठो। खुफिया प्राइस कंपटीशन के लिए टिकट अभी से मिल सकते हैं। टाइम वेस्ट मत करो, प्राइस जीतने का अच्छा मौका है। अब इन छचुंदरों में से कोई भी नंबर 42 चुन सकता है। ठीक है बेटा, ठंडे दिमाग से सोच। ऐसी सिचुएशन में कोई भी होप छोड़ देता है, लेकिन मैं कोई भी ऐरा गैरा नथु खैरा नहीं हूँ और एक एक को चुन के मारूंगा और जीत होगी मेरी। देखते हैं पहला कौन है। ये लूजर पप्पू, काम हो गया। मैं तेरी चटनी बना दूंगा हेनरी। अरे चिल मार यार, मैं तेरी हेल्प कर सकता हूँ। मैं तुझे विनिंग नंबर बता सकता हूँ। अच्छा तो क्या, और वो भी सिर्फ 20 रुपए के लिए। दोस्त बता। नंबर है 95। क्या रे एंड्रू, तूने सुना ना, फर्स्ट प्राइज इस सर्कस का शेर है। क्या? और सेकंड प्राइज में 2 शेर देंगे। नहीं। चुपचाप लाइन में खड़ा रहे। जरूरत भी नहीं है, मुझे तो विनिंग नंबर भी पता है। खरीदेगी क्या? तो कौन सा नंबर जीतेगा बता? नंबर 42, यही है। सच्ची मुची डार्लिंग, नंबर 42 ही जीतने वाला है। अब ला दे मुझे 20 रुपए। शाबाश मेरे शेर बच्चे,
मुझे मालूम है तुम इस बार भी बैलेंसिंग रेस जरूर जीतोगे। ओ बेचारा हेनरी, लगता है नाटक शुरू हो गया। मॉम मेरी ओर देखिए, पेट दर्द से जान जा रही है, लगता है मैं स्कूल नहीं जा पाऊंगा। जल्दी कीजिए, मुझे तुरंत हॉस्पिटल ले जाइए। हाय हाय, लगता है ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन? हेनरी, बहुत हो गई तुम्हारी नौटंकी, अब चुपचाप उठो और स्कूल जाने की तैयारी करो, आज स्पोर्ट्स डे है। कोई बात नहीं, अगर तुम हर रेस में वापस लास्ट आओगे हेनरी, पार्टिसिपेट तो करो। और पिछली बार की तरह खेल के बीच में घर आए तो टांगे तोड़ूं। रोजी मिस कहती है जीतने से ज्यादा खेलना ज्यादा जरूरी होता है हेनरी। हेनरी तू क्या पीटर, तुम्हारे लिए अंडे उबाल दिए हैं। अब चलकर कंघी कर लेते हैं, फर्स्ट प्राइज लेने स्टेज पर जाना है ना तुम्हें। फर्स्ट प्राइज। भुक्कड़ कहीं के प्रैक्टिस कर, मैं पिछले एक महीने से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और इसीलिए मैंने एक महीने तक एक टॉफी तक नहीं खाई है। एक महीने से नहीं, चाहे फेंकू कहीं का। फेंकू नहीं, सच, एकदम सच बोल रहा हूँ। अच्छा, वाओ, ये कितना टेस्टी है, यम्मी। बहुत टेस्टी है, मैं एक मेरा अभी सोच मत, चल। बच्चों चलो अपने पार्टनर्स के साथ यहाँ आओ, रेस शुरू होने वाली है, चलो जल्दी करो। हेनरी तुम्हारा पार्टनर कहाँ है? सुनो मार्गरेट, इस रेस के लिए हेनरी की पार्टनर तुम। क्या? जल्दी करो, रेस शुरू होने वाली है। मार्क्स, ज्यादा होशियारी मत करना हेनरी, मुझे ये रेस जीतनी है, मैं बोलूंगी वही करना। गेट सेट। चल हट, मुझे जाना है घर, तो तू वही करेगी जो मैं बोलूंगा। देखेंगे, देख लेना। इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ। आओ, आओ हेनरी, हेनरी रुको, हेनरी रुक जाओ, बचाओ, हेनरी रुको, रुको हेनरी, 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 रुको, हेनरी, रुको, रुको हेनरी, हेनरी, आओ, आओ। देखा मार्गरेट, मुझे तो पहले ही पता था हम हारेंगे। बस करो, अब ये रेस कैंसिल। मैं तो ये रेस जीतने वाली थी। बदमाश कहीं के, मन तो करता है कि ये मत सोचना कि पिछली बार की तरह इस बार भी घर जाने मिलेगा। तुम यहीं रुकोगे अकेले, बाकी सब मेरे साथ आओ। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी हेनरी। गुस्सा तो देखो इसका, मैंने तो अभी तक कुछ किया ही नहीं है। डरो नहीं बेटा, ये अंडे उबले हुए हैं, फूटेंगे नहीं। रेडी, गेट सेट, गो। एक ना एक दांत तो गिरना ही चाहिए। गिर जा, गिर जा। अबे गिर, चिपको कहीं के हिल तो सही,
ऐसे चिपके हैं सबके सब जैसे कौन से चिपके हो। बेटा हेनरी चॉकलेट खाने से दांत गिरते हैं। दांत है कि कोई सीमेंट की दीवार। क्यों तुझे तो चिपकू टॉफी पसंद नहीं है ना? हाँ, क्योंकि ये मेरे दांत में चिपकती है और मेरे दांत इस चॉकलेट में चिपकेंगे। दुश्म, समझ गया। दांत नहीं चिपक रहे हैं क्या? मेरा मुंह ही चिपक गया। कुछ कर। क्या? मैं कुछ करूं? अभी आया। क्या? ठीक है, रुक। एक, दो, अब तक नहीं हिला। मोटे मेरी जान, मुझे तू पसंद नहीं है। वो मेरी ही टॉफी है, मैंने ही तेरे सिर पर दे मारी है। आ तोड़ मेरे दांत, सच में। ऐसा क्यों? अबे क्यों? काम मत सोच, बस मार, ज्यादा सोच मत। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों के बच्चे? मार बोला ना, उठा तेरा हाथ, दे एक मुक्का मेरे मुंह पर और तोड़ दे मेरे दांत। मैं बुरा नहीं मानूंगा, तेरी कसम। ऐसा क्यों? काम बना कि नहीं है? नहीं। एक लात मारूं? एक गिरा हुआ दांत, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। शुरू होता है मिशन दांत गायब। हेनरी, क्या चल रहा है ये सब? क्या कुछ कुछ नहीं, मुझे लगा पीटर सपने में हैंडी हैंडी चला रहा था, इसलिए देखना चला गया। मेरा छोटा सा प्यारा सा भाई है वो। हाँ ठीक है, तो तुम अब अपने कमरे में जाओ तुरंत और सो जाओ। ठीक है, गुड नाइट। अब कल सुबह पैसे मुझे मिलेंगे। कहाँ है मेरे पैसे? मामा, डैड, हेनरी, मुझे दांत के बदले 10 रुपए मिले हैं। क्या, 10 रुपए? पर दांत तो मैंने रखा था, ये नहीं हो सकता। मॉम। बोलो हेनरी। मॉम, अगर किसी का दांत गिरा पर वो गिरा हुआ दांत उसके तकिए के नीचे नहीं है और किसी और के तकिए के नीचे मिला, तो कैसा पता चलेगा कि गिरा हुआ दांत किसका है? हेनरी, तुमने कुछ गड़बड़ तो नहीं की है ना? नहीं मॉम, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। ऐसे ही पूछ रहा था? वैसे दांत किसका टूटा है ये पता लगाना बहुत आसान होगा हेनरी। कैसे? जिसका दांत टूटा होगा उसके बीच में गैप होगा। गैप? हाँ वही तो। ओके चलता हूँ मॉम। हेनरी, ये कोई जगह है बैठने की? मार्गरेट, चुप कर। हेनरी, तुम वहाँ उस गेट से नहीं आ सकते थे, ये कोई तरीका है आने का? ये एक इमरजेंसी है, मुझे तेरे दांत चाहिए। हाँ? उफो, तेरे ड्रैकुला वाले गंदे कॉस्ट्यूम के दांत, अब समझ में आया? ओ अच्छा, इसके बदले तू क्या करेगा? इसके बदले में ये ठंडा ऑरेंज जूस चाहिए। दांत चाहिए कि नहीं हेनरी? ठीक है, लेकिन पूरा खाना खाना पड़ेगा हेनरी। यिप्पी, कल से टिफिन, गुड बाय कैंटीन। यस।
आजा मैदान में हेनरी। बहुत अच्छी हेनरी। अब मेरी समझ में आया कि यहाँ खाना कम और मस्ती ज्यादा क्यों होती है। तुम सब ग्रेटा को तो जानते ही हो, अब उसकी ड्यूटी लंच रूम में होगी। ग्रेटा तुम सब पर नजर रखेगी और ये देखेगी कि तुम सब ठीक से खाना खा रहे हो या नहीं। चलो अपनी जगह बैठ जाओ और अपना टिफिन खोलकर खाना शुरू करो। देखता हूँ ये मोटी कैसा मजाक खराब करती है। मैं इस मोटी से डरता वरता नहीं हूँ। हे, वो मेरा है। है नहीं था, अब ये गया मेरे मुंह में। मेरा केक खा लिया। खा लिया तो? अरे बच्चे मीठा नहीं खाते। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। उसने हम सब की मिठाई ले ली। हम कर भी क्या सकते हैं? कल मजा चखाऊंगा इस मोटी को। क्या मिठाई लाए हो, निकालो। ये तो नकली है। अब पकड़ में आई। कम से कम यहाँ तो नहीं आएगी वो मोटी मेरा खाना छीनने। नहीं, मीठा क्या आज तुम लोग कोई मीठा नहीं लाए हो? बच्चू, अगर तुमने सच सच नहीं बताया कि मार्गरेट ने अपनी मिठाई कहाँ छुपाई है तो मैं तुम्हें कच्चा खा जाऊंगी, वो भी अभी, और वो भी बिल्कुल कच्चा। वो उसके सॉक्स के अंदर। ब्रायन ने टेबल के नीचे छुपाया है। आओ, हेनरी ने अपने चॉकलेट बिस्किट्स बैग में छिपाए हैं। अगर तुम में से किसी ने नहीं बताया कि हेनरी ने चॉकलेट बिस्किट्स कहाँ छुपाए हैं, तो कल से कैंटीन का खाना खाने के लिए तैयार हो जाओ। संतरे के छिलके के अंदर। तुम सब कैसे दोस्तों अपना मुंह बंद नहीं रख सकते थे? चाहो तो तुम कल ही अपने स्कूल में ले जा सकते हो हेनरी। क्या फायदा, वो मोटी तो सब कुछ खा जाएगी। ना ना, अभी मत छूना, बहुत ज्यादा गर्म है। आहा। सबसे तेज मिर्ची पाउडर। कुकीज। मुंह जल रहा है। हेनरी, चलो मॉम की मदद करो। बचाओ! हेनरी संभल के। ओ, 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 ओ,
अरे हेलो बच्चों। दरवाजा खुला था इसलिए हम बिना बेल बजाए अंदर आ गए। ओह कितना गंदा है। मैनर्स कहाँ है, गरीबों से ऐसे बात नहीं करते। जाओ और सारे तोहफे उस क्रिसमस ट्री के नीचे रख दो। और ये सब तुम्हारे लिए है बच्चों। मुझे क्रिसमस के लिए मिल रही है एक पेंट गन। अच्छा, मुझे भी वही मिल रही है। और एक बूम बूम बेशो। मुझे भी। और ये तो सिर्फ मम्मी की तरफ से है, सेंटा की तरफ से कुछ और मिलेगा। हाँ, अगर मुझे देने के बाद कुछ बचा तो। बच्चों जाओ बाहर जाकर खेलो और सबसे बड़ा स्नोमैन बनाओ। ओके। देख बेलूजा, मैं जीत रहा हूँ। अच्छा बच्चू, मुझसे होशियारी। हो गया। ये एक स्नोमैन नहीं है। हाँ, स्नोमैन के पंख नहीं होते। मामा। हाँ, अब ये दिख रहा है स्नोमैन की तरह। ए, रुक जा, ये मेरा भाई है। ओह, तुम कितने अच्छे हो हेनरी। तो इसे सिर्फ मैं ही तोड़ूंगा। मेरा वाला सबसे बड़ा है। नहीं, मेरा बड़ा है। मेरा बड़ा है। मैं फंसा हुआ हूँ। नहीं, मैं तुझसे ज्यादा फंस गया हूँ। नहीं, मैं ज्यादा फंसा हुआ हूँ। ओ पीटो, कितना सुंदर है। मैंने अपने हाथों से बनाया है। और मैंने अपने लिए खास बनवाया है। मामा, मैं ये पूछना भूल गया कि सांता कब आने वाले हैं। बहुत जल्द आएंगे बेटा। काश वो भी अभी आ जाए। हाँ, फिर तू और तेरा भाई मुंह लटका कर देखना मेरे सारे तोहफे। क्रिसमस के दिन मांगना नहीं, देना चाहिए। चुप कर मच्छर। देखो, अगर तुम मेरी हर बात मानोगे तो मैं तुम्हें अपनी पेंट गन दे सकता हूँ। क्या कहना है? बड़ा आया, मेरे पास अपनी गन होगी। चल हट, कुछ देर में सब कुछ पता चल जाएगा बच्चू। यही होगी मेरी फेवरेट पेंट गन। मेरी क्रिसमस स्टीव। क्या स्टीव के लिए, स्टीव के लिए, ये भी स्टीव के लिए, स्टीव स्टीव। और मेरे लिए मुझे। ओह नो, फिर से यही। ऊप्स। हाँ, मुझे लगता है स्टीव को मुझसे ज्यादा जरूरत है मोजो की।